हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल त्यागी। आपका स्वागत है हमारे चैनल विशाल त्यागी ब्लॉगर एंड डिजिटल मार्केटर पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गूगल एनालिटिक्स 4 होती क्या है और यूनिवर्सल एनालिटिक्स जो कि आप जिस वर्जन को यूज करते हैं उसे गूगल एनालिटिक्स 4 में ब्लॉगर की वेबसाइट के लिए कैसे अपग्रेड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अर्जुन ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जिसे गूगल ने अप्रैल 2005 में एक्वायर कर लिया था और गूगल ने इसे गूगल एनालिटिक्स के नाम से 14 नवंबर 2005 को लॉन्च किया था। गूगल ने गूगल एनालिटिक्स के भी 4 वर्जन लॉन्च किए हैं। पहला वर्जन अर्जुन सॉफ्टवेयर था, दूसरा वर्जन क्लासिक एनालिटिक्स था जो कि 2005 से 2012 तक यूज हुआ, और अब जो आप वर्जन यूज कर रहे हैं वो यूनिवर्सल एनालिटिक्स है जो कि 2012 से अब तक है, जिसमें कि आप ट्रैकिंग आईडी का यूज करते हैं। और अब गूगल ने रिसेंट में गूगल एनालिटिक्स का न्यू वर्जन लॉन्च किया है जिसकी हेल्प से एप्लीकेशन और वेबसाइट के लिए एक साथ ट्रैफिक मेजर करते हैं, जिसमें कि मेजरमेंट आईडी का यूज होगा, जबकि यूनिवर्सल एनालिटिक्स में आप ट्रैकिंग आईडी का यूज करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक और कन्वर्जन मेजर करने के लिए होती है, और इस टूल की हेल्प से आप अपनी इंपॉर्टेंट केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जैसे कि यूजर बाउंस रेट, सेशन, ट्रैफिक सोर्स और कन्वर्जन को ट्रैक कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स ने अब न्यू वर्जन लॉन्च किया है जिसकी हेल्प से आप वेबसाइट ऐप और सॉफ्टवेयर को के ट्रैफिक और कन्वर्जन को एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। यह वर्जन अभी डेवलपमेंट मोड में है और यूनिवर्सल एनालिटिक्स में आप वेबसाइट का एप्लीकेशन का ट्रैफिक मेजर करने के लिए सेपरेट प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ती थी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, यूनिवर्सल एनालिटिक्स अभी कहीं नहीं जा रहा है, आप दोनों प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। हम इस बारे में बाद में बताएंगे कि आप दोनों गूगल एनालिटिक्स की यूनिवर्सल एनालिटिक्स और गूगल एनालिटिक्स 4 को कैसे एक साथ कैसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं गूगल एनालिटिक्स 4 क्या है। गूगल एनालिटिक्स 4 ट्रेडिशनल वर्जन यूनिवर्सल एनालिटिक्स से अलग है और इसमें यूनिवर्सल एनालिटिक्स की अपेक्षा ज्यादा फीचर है। दोनों गूगल एनालिटिक्स 4 और यूनिवर्सल एनालिटिक्स दोनों के इंटरफेस अलग अलग हैं। गूगल एनालिटिक्स 4 में आप वेबसाइट के ट्रैफिक, वेबसाइट सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के ट्रैफिक को एक साथ मेजर कर सकते हैं और वहां पर आपको एप्लीकेशन का ट्रैफिक, वेबसाइट का ट्रैफिक या सॉफ्टवेयर के ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक और कन्वर्जन को मेजर करने के लिए सेपरेट प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। गूगल ने बहुत बड़ा चेंज किया है डेटा मॉडलिंग फीचर को लेकर। अब आप ये आपके डेटा गैप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू फिल करेगी। पहले क्या होता था कि जैसे कि आपने यूनिवर्सल एनालिटिक्स अगर किसी ने अपने ब्राउजर में कुकी बंद कर रखी है तो यूनिवर्सल एनालिटिक्स डाटा मेजर करने में प्रॉब्लम होती थी, वहां पर वो डाटा मेजर नहीं कर पाती थी। और गूगल एनालिटिक्स 4 में आपकी प्राइवेसी फर्स्ट ट्रैकिंग और एआई बेस्ड प्रेडिक्टिव डाटा और क्रॉस चैनल मेजरमेंट का यूज होगा जो कि फ्यूचर के डिमांड है, क्योंकि प्राइवेसी और डाटा बिगेस्ट कंसर्न है फ्यूचर के लिए। गूगल ने अपनी इस वर्जन में एडवांस मशीन लर्निंग मॉडल का यूज किया है जिससे कि आपके वेबसाइट ट्रैफिक और यूजर के बिहेवियर को के डाटा को आसानी से फिल किया जा सके। इसके लिए आपको पेज हिट पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होगी। और गूगल एनालिटिक्स 4 का मेन पर्पज क्रॉस चैनल ट्रैकिंग करना है जिससे कि मार्केटर एक साथ वेबसाइट, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को ट्रैफिक या कन्वर्जन को ट्रैक कर सके। गूगल एनालिटिक्स 4 के हेल्प से आप यूजर जर्नी को अब आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। आप यूजर की फर्स्ट विजिट से लेकर फाइनल कन्वर्जन तक गूगल एनालिटिक्स 4 की हेल्प से ट्रैक कर पाएंगे। गूगल एनालिटिक्स और यूनिवर्सल एनालिटिक्स के डिफरेंस को जानने से पहले हम जानेंगे कि आप यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी को गूगल एनालिटिक्स 4 में कैसे अपग्रेड करें। हम इस मेथड में ये भी बताएंगे कि आप यूनिवर्सल एनालिटिक्स और गूगल एनालिटिक्स 4 को एक साथ कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गूगल एनालिटिक्स को ओपन करने के लिए आपको ईमेल आईडी की जरूरत होगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गूगल एनालिटिक्स क्या है और उसे कैसे इंस्टॉल करें, यूनिवर्सल एनालिटिक्स को गूगल ब्लॉगर पर कैसे इंस्टॉल करें, तो आप हमारी ये वीडियो आप आई बटन पर जाएं और हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एनालिटिक्स ओपन कीजिए, यहाँ पर एडमिन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ये आपकी यूनिवर्सल एनालिटिक्स है, यहाँ पर आपको अपग्रेड टू GA4 का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट वाले ऑप्शन पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये
आपकी दोनों प्रॉपर्टी का डाटा अफेक्ट नहीं होगा और यहाँ पर आप मैनुअली कन्वर्जन ऑडियंस इवेंट को प्रोडक्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आप एडवांस मेजरमेंट भी गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हैं। तो क्रिएट प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपकी गूगल एनालिटिक्स 4 की प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगी। सी और कुछ ये प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको सेटअप असिस्टेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपकी गूगल एनालिटिक्स 4 की प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट पर गूगल एनालिटिक्स 4 का टैग इंस्टॉल करना होगा जिससे कि आपका विजिटर दिखाई दे, क्योंकि जब हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे तो अभी गूगल एनालिटिक्स 4 में आपके रियल टाइम में विजिटर नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने गूगल एनालिटिक्स 4 का टैग ब्रोकर की वेबसाइट पर इंस्टॉल नहीं किया है। तो सबसे पहले हमें एनालिटिक्स 4 का टैग ब्लॉगर पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर रियल टाइम में अभी इसमें कोई विजिटर नहीं दिखा रहा है। तो चलिए टैग इंस्टॉलेशन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स 4 डाटा स्ट्रीम्स पर काम करेगा। तो ये रही आपकी डाटा स्ट्रीम, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको स्ट्रीम यूआरएल देगा, स्ट्रीम नेम देगा और मेजरमेंट आईडी देगा। वहां पर यूनिवर्सल एनालिटिक्स में ट्रैकिंग आईडी थी, यहाँ पर आपको ये मेजरमेंट आईडी देगा। आप एडवांस मेजरमेंट भी इसके थ्रू कर सकते हैं। अगर हमें टैग गूगल गूगल एनालिटिक्स का टैग, गूगल एनालिटिक्स 4 टैग का टैग ब्लॉगर की वेबसाइट पर इंस्टॉल करना है, तो हम टैग इंस्ट्रक्शन में एड न्यू पेज टैग पर जाएंगे और ग्लोबल साइट टैग पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे और ब्लॉगर की वेबसाइट पर जाएंगे, थीम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा, हम एडिट एचटीएमएल पर क्लिक करेंगे और हेड के बाद इस प्रॉपर्टी को पेस्ट कर देंगे। ये रही हमारी प्रॉपर्टी और उसके बाद ब्लॉगर ब्लॉग स्पोर्ट्स की फाइल को हम सेव कर देंगे। इसके बाद इसे हटा देंगे और होम पेज पर जाएंगे। और अब हम दोबारा अपनी वेबसाइट प्रेस करें, ब्राउज़र रिफ्रेश करें और दोबारा अपनी वेबसाइट को लोड करेंगे। तो अब यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट पर विजिटर है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा रियल टाइम में विजिटर दिखा रहा है, इसका मतलब हमारी गूगल एनालिटिक्स 4 ब्लॉगर की वेबसाइट पर सक्सेसफुली इंस्टॉल और हमारी गूगल एनालिटिक्स 4 अपग्रेड हो गई है। तो आइए अब हम जानते हैं कि यूनिवर्सल एनालिटिक्स और गूगल एनालिटिक्स 4 में क्या डिफरेंस है। गूगल एनालिटिक्स 4 मशीन लर्निंग की हेल्प से डिजाइन की है, जो कि आने वाले टाइम की डिमांड है। इससे आप अपने बिजनेस से रिलेटेड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी और आप गूगल एनालिटिक्स 4 में कंप्लीट कस्टमर जर्नी फर्स्ट विजिट से लेकर फाइनल कन्वर्जन तक ट्रैक कर सकेंगे, जो कि यूनिवर्सल एनालिटिक्स में नहीं था। इसके बाद गूगल एनालिटिक्स 4 बिना कुकी के काम करेगा, जो कि फ्यूचर की डिमांड है, क्योंकि जब भी कोई अपने ब्राउजर पर कुकी ब्लॉक कर देता है तो उसमें डाटा इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए गूगल ने अब फुल डाटा को प्रेडिक्ट करने के लिए एआई का यूज किया है। इसमें एआई आपके लिए डाटा प्रेडिक्ट करेगी और डाटा गैप को वेबसाइट के ट्रैफिक और कन्वर्जन में डाटा गैप को फिल करेगी, जो कि यूनिवर्सल एनालिटिक्स में नहीं था। गूगल एनालिटिक्स 4 डेटा स्ट्रीम पर काम करेगी, जबकि यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टीज और व्यूज और सेगमेंट्स पर काम करती थी। गूगल एनालिटिक्स 4 में आप देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी और अकाउंट और प्रॉपर्टी पर काम करेगी, जबकि यूनिवर्सल एनालिटिक्स आपकी अकाउंट प्रॉपर्टी और व्यू पर काम करते हैं। अब गूगल एनालिटिक्स 4 में यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी और अकाउंट पर ही काम करेगी, व्यू को गूगल एनालिटिक्स 4 से हटा दिया गया है। गूगल एनालिटिक्स 4 अब गूगल एनालिटिक्स 4 इवेंट बेस कॉन्सेप्ट पर काम करेगी, जबकि यूनिवर्सल एनालिटिक्स पेज व्यू सेशन और यूजर्स पर काम करती है।
गूगल एनालिटिक्स फोर, आप गूगल एनालिटिक्स में कोई भी इवेंट एडिट और करेक्ट कर सकते हैं। अब आपको अपने वेबसाइट पर जाकर इवेंट का कोड मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप गूगल एनालिटिक्स की यूजर इंटरफेस से कर सकते हैं। आप गूगल एनालिटिक्स फोर में यूनिवर्सल एनालिटिक्स ज्यादा डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स फोर में लाइफ साइकिल रिपोर्ट ऐड की गई है, जहां पर आप अपनी वेबसाइट के लिए कोई भी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, जो कि गूगल एनालिटिक्स 360 का फीचर है, जिसे कि गूगल ने गूगल एनालिटिक्स फोर में लॉन्च किया है। फिर आपकी टेम्पलेट गैलरी, यहाँ पर आ जाकर आप कोई भी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आप गूगल एनालिटिक्स फोर में क्रॉस डोमेन ट्रैक करने के लिए आपको कोड एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप गूगल एनालिटिक्स फोर की यूजर इंटरफेस से ही कर सकते हैं। तो इसमें पता है कि गूगल एनालिटिक्स फोर क्या है और गूगल एनालिटिक्स फोर को यूनिवर्सल एनालिटिक्स से गूगल एनालिटिक्स फोर में कैसे अपग्रेड करें, और हमने ये भी बताया कि गूगल एनालिटिक्स फोर और यूनिवर्सल एनालिटिक्स में डिफरेंस क्या है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गूगल एनालिटिक्स फोर के रिगार्डिंग है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब हम बात करेंगे कि हम गूगल एनालिटिक्स फोर में, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स फोर अभी आपका डेवलपमेंट मोड में है, तो यूनिवर्सल एनालिटिक्स अभी कहीं नहीं जा रही है, तो आप यहाँ पर अपनी गूगल एनालिटिक्स और यूनिवर्सल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी भी एक्सेस करते हैं। अगर हम यहाँ पर यूनिवर्सल एनालिटिक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी शो हो जाएगी और आपकी पुरानी इंटरफेस शो हो जाएगी। ये आपका पूरा यूनिवर्सल एनालिटिक्स में चेंज हो जाएगा। अगर आपको अपनी गूगल एनालिटिक्स 4 एक्सेस करनी है तो आप यहाँ पर जाकर अपनी गूगल एनालिटिक्स 4 की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पर आप गूगल एनालिटिक्स 4 का इंटरफेस देख सकते हैं कि इसका पूरा इंटरफेस अब चेंज हो गया है। यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स 4 यूनिवर्सल एनालिटिक्स के सभी वर्जन गूगल एनालिटिक्स 4 में है, लेकिन इसमें गूगल एनालिटिक्स के कुछ एडवांस ऑप्शंस दिए हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।